कि मैंने ड्रामे के अंदर ड्रामा सुनाना है। वाह वाह वाह, एक दफ़ा खड़ा होके सारा। अब ड्रामा क्या था कि एक बंदा है जिसने अपने बेटे की शादी करनी है अपने भाई की बेटी के साथ। ओके। अब उसने तय कर लिया, फिर उसके बाद उसको एक पैसे वाला बंदा मिल गया, तो उसने अपने भाई को इनकार करके बेटे की शादी तय कर दी है किसी और जगह पे। अब भाई ने कहा कि अगर तूने इसकी शादी कहीं और की तो मैं फायरिंग कर दूंगा शादी हाल पे। अब शादी हाल पे फायरिंग हो गई है, वहां पर अंधेरा हो गया, तो दुल्हन लेके घर है, जब दुल्हन को लेकर घर है वो दुल्हन हमारी नहीं वो किसी और की है, हमारी दुल्हन कहीं और चली गई है। अब वहां पर चार पांच शादियां तो दुल्हनें बिखर गई हैं। अब एक बंदा आया वो अपनी दुल्हन लेने के लिए, उसकी दुल्हन हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में जो आई है वो हमारी दुल्हन नहीं है। जो बंदा लेने के लिए वो कहता है जी मेरी दुल्हन दे दो, मैं कहता ठीक है अपनी ले जाओ, ये तो हमारी बहनों की तरह, आप मेरी ले अपनी। अब पुलिस वाला आया तो पुलिस वाला आके कहता है जी कि मुझे बताएं कि मामला क्या है। मैं कह जी मैं आपको शुरू से बताता हूँ, असल में मैं जब छोटा था तो मेरे बाप ने मेरी शादी तय कर दी मेरे चाचा के घर में, चाचा जो था वो उसने अपनी बेटी की शादी तय कर दी मेरे साथ। अब हम दोनों मोहब्बत भी करते थे, जब बड़े हुए तो अब्बा जान के दिमाग में लालच आ गया, अब्बा जान ने कहा कि मैं शादी करूँगा अपने बेटे की किसी ऊँची जगह पर, क्योंकि अब्बा जान ने मेरा जो था ना वो मुल बांट लिया। उसके बाद जब मेरी शादी करने के लिए वहाँ पर चले गए तो चाचा ने कह दिया कि अगर वहाँ पर जाकर तो शादी की तो मैं वहाँ पर फायरिंग कर दूंगा। उस चाचा ने जाकर फायरिंग कर दी, फायरिंग की वहाँ पर भगदड़ मच गई, लाइट चले गई, मैं दुल्हन लेकर घर आया, कहती मेरा दुल्हन मैंने कहा तुम्हारी दुल्हन तो अपनी दुल्हन को ले जाओ, मेरी ले अपनी ले जाओ। अब वो चला के जाके अगले दिन एक लड़की को लेकर आया, वो कहता है ये तुम्हारी दुल्हन है, मैंने कहा ठीक है मेरी दुल्हन, अब्बा ने कहा ये भी तेरी दुल्हन नहीं है। अब ये पता नहीं किसको लेकर आ गया मेरे घर में, कहता है ये तुम्हारी दुल्हन, अब जिसको लेकर आई मेरी दुल्हन नहीं है, जिसके साथ मैं शादी करने के लिए गया वो वहाँ थी नहीं, और जिसके साथ मेरी होनी थी वो वहाँ हुई नहीं, और जिसको ये लेकर आई पता नहीं कौन है, ये इसकी बीवी है ये मेरी बीवी नहीं है, ये जो है ये पता नहीं किसकी बीवी, इसका शौहर यहाँ पर आएगा उसको ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे इस बात का पता नहीं। एसएचओ साहब आपने फैसला करना, ये छोटा सा मामला है बस इसको सॉल्व कर दे। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप अगर वेस्ट में होते तो ऑस्कर से कम के आर्टिस्ट। जी नजफ, क्या है प्रोग्राम के अगले मतलब? जी विकी साहब, भूजो तो जाने। मैंने अगर भूज लिया ना तो यहां से सूझ जाना। एक तो कैमरा चल रहा है और दूसरा इसने ज्यादा चढ़ा के बात करनी है। नहीं 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 भाईजान, सेगमेंट है। सेगमेंट है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी फौरन जाना, स्ट्रेट हो जाए करो बाबा, दिल में जो है वो नहीं पूछना। अच्छा, मैं स्क्रीन पे जो है वो पूछना है। स्क्रीन पे पूछना है। अच्छा वैसे आप, मैंने देखा रंगीन मिजाज नहीं है आपके बारे में, कभी कोई स्कैंडल कभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई? कभी भी नहीं आई, शादी के बाद नहीं आई। कैसा पसंद है आप? देखिए जो अल्लाह ताला की चीजें बनाई खूबसूरत है वो तो मुझे बहुत पसंद होती है, बहुत पसंद होती है। बेगम साहबा के सामने सिन्फ़े मुखालिफ की तारीफ कर सकते हैं? जी मैंने एक दो दफा की भी है, लेकिन फिर पूरा स्पेल काम नहीं कर सका मैं। तारीफ ही मैंने ऐसी की है, उसको भी पता कि ये उसे तक जा ही नहीं सकता। नहीं, इंडिया तक तो आप किसी वक्त भी जा सकते। मैंने कहा ना, मैंने कहा मुझे करीना कपूर बड़ी पसंद है, अब उसको भी पता कि ये सिर्फ कहन की गलती करी है, बाकी यदि ना पहुंचे ना नहीं है मुमकिन है आप आने वाले दिनों में शो कर रहे हैं और करीना उसका हिस्सा हो। नहीं अब तो वो भी मतलब जरीना हो गई, बातें में चली गई, हमारे अंदर का भी करीनापन खत्म हो गया। यार बेटी क्या बात है। क्या कहने जी। A man dies of old age on his 25th birthday. How is this possible? एक आदमी अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर उसकी वफात हुई, मगर वो उस वक्त बहुत बूढ़ा था। हेलो, शादी लेट की थी उसने। एक बुजुर्ग जो 25 साल के हैं और फौत हो गए 25वीं बर्थडे पे फौत। नहीं नहीं, हाँ 25वीं बर्थडे, 25वीं मना रहा था, बर्थडे 25वीं मना रहा था, हाँ लेकिन फौत हो गया, मगर उम्र उसकी कुछ 70-80 के करीब थी। या तो वो झूठ बोल रहा था या फिर ज्यादा ही बोला था। थोड़ा सा हिंट दें, शाजी ने जानबूझ के ये किया है कि इसका फ्लो तो बड़ा अच्छा है। लेकिन उसका इस जहानत के साथ कुछ लेना देना। यार ऐसा क्यों करूंगा, अस्तगफुरुल्लाह। आप मुझे शुरू से जानते हैं ना। नहीं लेकिन मैं हमेशा आपका एडमायर हूं, मैं हमेशा आपको, मेरे मेरी जो शादी की पहले जो चाय थी ना, जो पहली हमारी दावत थी वो शाजी की। वाह वाह वाह, क्या बात है। छोटी उम्र से अनक लग गई।
बस ऐसे ही बताए जी, दे हिंट बताइए। महीनों का सोचे भाई, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी के दो महीने लगती है मुझको सर्दी। नहीं, इसके बोल तो आगे मुझे भी आते हैं। बात समझाओ, बात समझाओ, बात समझ। बंदा कहीं फंस जाता है भाई, इसी के अंदर जवाब है, इसी के अंदर जवाब है। हाँ भाई, जनवरी भाई फरवरी। A man dies of old age on his 25th birthday. और जनवरी अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं जा पा रहा उधर। फरवरी 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 के, फर्ज कर लीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी हो तो ते हर बर्थडे थोड़ी जड़ी हो किन्ने हर साल कट दी जाएगी। लीप ईयर के बारे में तो सुना है ना आपने? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, देखिए जैसे फरवरी के 28 दिन होते हैं ना, हाँ जी, तीन साल तक, चौथे साल जो है ना वो 29 दिन हो जाते हैं, तो वो लीप ईयर कहलाता है। तो 29 को जो पैदा होगा वो बुनियादी तौर पे तो तीन साल के बाद अपनी सालगिरह है बेचारा। ये अलग बात है कि तीन साल गुजरेंगे बीच में, तीन साल गुजरेंगे, खुशकिस्मत तो है कि पार्टी नहीं देनी पड़ती। हिसाब अच्छा होता तो किसी बैंक में होता। ये तो देवदास को भी ताना सुनने को मिला था, हिसाब के बाद बड़े कच्चे हो देव। नहीं जरा यह भी ये मुश्किल है थोड़ा सा। हाँ ये थोड़ा सा। अच्छा जी आगे बढ़े। I can fill a room, but I take up no space. What am I? Hello. वो क्या है जो कमरा जिससे भर जाता है मगर वो जगह नहीं घेरती है, घेरता? आहा, कैसे है आसान ये भी वैसे। हाँ सर, है सवाल ना सर। सवाल तो उसी सारे गोरिया ना करना सर। उन्होंने पूछो इतनी सी हल्दी पूरे घर में मल दी, ठीक है जी, है ना, आपको तो ये पता होगा, ये समझे थोड़ा सा। आपकी सारी उम्र इसी के गिर्द गुजरी है? मेरी सारी उम्र इसी के गिर्द गुजरी। इसमें घिरे रहे हैं आप जिसकी बात हो रही है, माशाल्लाह। टेंशन की बात कर। इसके बगैर स्टेज स्टेज नहीं होता। अब देखिए। अच्छा तो मतलब आप उसकी जो हिस की बात होती है, अलामती होती है असल में तो, यह बच्चे भी देखते हैं, यूथ भी देखती है, हम आप भी छेड़छाड़ हो जाती है, थोड़ा सा जहन चल पड़ता है। और आप देखिए जरा कि इसके बगैर स्टेज स्टेज नहीं है। अब जरा फिर पढ़िए। मतलब मेरे मजाक से। I can fill a room, हाँ, but I take up no space। हाँ जी। वो क्या है जिससे कमरा भर जाता है मगर जगह नहीं घेरती? जगह नहीं घेरती। बस मतलब मेरी बातों की खुशबू से। हाँ इसी तरह की। मतलब मेरे मजाक से। इस तरह की मोहब्बत से। स्टेज जो है ना वो इसके बगैर बिल्कुल तारीख है। हाय, आगे गर्मियां भी आ रही है ना, जून जुलाई के दो महीने एसी की बात। उस वक्त एसी की तेजी हो जाती है सर। आप सही कह रहे हैं, एसी इसका जवाब हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पंखा भी कहा जा सकता है। हाँ मगर तारीख से आप देखिए जरा, रोशनी की बात। रोशनी आप तो चांदनी भी कह सकते थे। चांदनी, मेरी चांदनी। जब वो मेरी लाइफ में आई है तो मैंने इतना सुना ये गाना गाड़ी में। हाँ। चांदनी ओ मेरी चांदनी।